इनकरेक्ट. एक्सरसाइज चैप्टर केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन हैज बिलो इज इनकरेक्ट. रिएक्शन दे रखा है PbO प्लस कार्बन गिव्स यू 2Pb प्लस CO2. ये रिएक्शन में है और बुक में देखिए आपको चार ऑप्शन दे रखा है. बोलता है ये रिएक्शन को पहला ऑप्शन कहता है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. फर्स्ट ऑप्शन है ये जो लेड है पीबी मतलब लेड ये ज्यादा है रिडक्शन में. क्या ये सही है कि गलत है? इट इज अ ट्रू प्रोसेस और रॉन्ग. लेड ऑक्साइड PbO इट गेटिंग PbO इट मीन्स दे आर रिमूविंग द ऑक्सीजन. हियर आई विल राइट रिमूविंग ऑक्सीजन is known as reduction. I am right or wrong? Right. Okay? So first statement is true. Second statement, the carbon dioxide getting oxidized. True or false? See here, carbon dioxide. It is true or false? Tell. Carbon oxygen will add, right? फर्स्ट ऑप्शन सेज द PbO गेट्स PbO इट मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट सेज कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज इट मींस कार्बन गेटिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. व्हाट आई से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट मींस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो ऑप्शन बी ऑल्सो ट्रू. Understood? And the last option says C. Carbon getting oxidized. Okay. Carbon getting oxidized. So, a statement B says carbon getting oxidized is true, but carbon dioxide getting oxidized is wrong. मतलब carbon में oxygen जुड़ रहा है कि CO2 में oxygen जुड़ रहा है. ये statement कह रहा था कि carbon getting oxidized का मतलब carbon में oxygen जुड़ा. सही है. लेकिन ये statement number B नहीं, ये statement number C है. बात में ध्यान देना, थोड़ा लॉजिकली ये सही नहीं है. ये क्यों सही नहीं हुआ? ये कह रहा था कि CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है. CO2 नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है. दोनों में अंतर है. ऑक्सीडाइज का मतलब होता है इसमें कार्बन में पहले कार्बन था उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन ये स्टेटमेंट सी कह रहा है ये बात. लेकिन स्टेटमेंट बी कहता है कि CO2 है उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो बना CO3. क्या ये पॉसिबल है? CO3 कभी बन सकता है क्या? नहीं. तो स्टेटमेंट बी रॉन्ग है. नहीं बात, ये दोनों एग्जांपल, ये स्टेटमेंट नंबर आपका सी है, ये स्टेटमेंट नंबर बी है. अगला स्टेटमेंट है डी ऑक्सीडाइज. स्टेटमेंट नंबर डी कहता है द लेड ऑक्सीडाइज लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ये भी रॉन्ग है. आंसर है आपका केवल ए और सी. चेक कीजिए ऑप्शन पीछे सही है गलत है. आयरन टू फॉर्म आयरन फिलिंग टिक द करेक्ट आंसर. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम क्या ऐड करें जो कि फॉर्म होता है एडेड टू आयरन फिलिंग. तो पहला ऑप्शन क्या होता है? HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग. टिक द करेक्ट आंसर. हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस. आयरन से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? FeCl प्लस हाइड्रोजन. क्या कहा? व्हाट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड? HCl इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट हैपेंड व्हेन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग. इसमें अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एड करते हैं तो क्या बनता है? ये यहां से टूटेगा, इसमें मिलेगा तो बनेगा FeCl और क्या बचेगा? एच. तो क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा यानी आयरस फेरस क्लोराइड. ऑप्शन ए कहता है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइन. हाइड्रोजन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस. ऑप्शन ए सही है, कोई डाउट? ऑप्शन ए कहता है कि आयरन क्लोरीन बनेगा. आयरन क्लोरीन का मतलब हुआ हमारे पास FeCl बना और उसमें लिखा है प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस का मतलब एच बचा. ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रू है. बस में आई कॉपी कीजिए. कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम. मतलब स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट को पहले आप लिख के दिखाइए और उसको भी बैलेंस कीजिए.
और हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा था व्हाई वी शुड बी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं कि उसका एटॉमिक मास हमें दिखाना होता है कि रिएक्शन के पहले जो मास था और रिएक्शन के बाद जो मास था वो कंजर्व होना चाहिए, मास का कहीं लॉस नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग वो बैलेंस करना चाहिए। इंग्लिश में बोला जाए वी शुड बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बिकॉज वी हैव टू शो द रिएक्टिंग पार्ट मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट पार्ट ऑफ द मास, बोथ साइड आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया NH3। तो अगर अमोनिया बन रहा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक कण है और हाइड्रोजन का कितने हैं 2। अब बनाना है क्या, अमोनिया, इसको फॉर्मूला कहते हैं अमोनिया का। अब इसको आपको बैलेंस करना है, कर लीजिए कॉपी पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक, बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड burn in air to give water and sulfur dioxide. इसको आपको देखना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो एयर का मतलब है केवल ऑक्सीजन है यहाँ पे, एयर का मतलब है यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है, और केवल ऑक्सीजन है भी क्या बना रहा है H2O और क्या बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, H2S में सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड, तो गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस करना है आपका काम। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्मोनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 अल्मोनियम सल्फेट Al2SO4 all thrice to gives you अमोनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, सो BaSO4, ठीक, बेरियम क्लोराइड गिव्स यू इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मोनियम सल्फेट गिव्स यू अल्मोनियम क्लोराइड एंड BaSO4। क्वेश्चन नंबर डी कहता है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है के, रिएक्ट विथ वाटर टू गिव्स यू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कॉपी दिस, यही रिएक्शन है।